हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अगर नहीं चल पा रही है, कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, जहाँ पे आपको ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी जिनको देख करके आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, आज भी हम एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख गया होगा कि MCO 5 का हम एक टॉपिक कवर करेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही कॉमन है, तो इसको हम कवर करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, सबसे पहले आपको तो commerceepathshala.blogspot.com इस वाले वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। ये टाइप करना है आपको commerceepathshala.blogspot.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारे होम पेज में आ जाओगे। ठीक है, होम पेज में आने के बाद, ये हमारा होम पेज है। होम पेज में आने के बाद इग्नू एमकॉम जो लिखा हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपको एमकॉम कोर्स के रिगार्डिंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। 2 साल का कोर्स है वगैरह वगैरह। आपको नीचे जाना है MCO 5 में। MCO 5 के ऊपर ये जो नाम लिखा हुआ अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट डिसीजन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे, यूनिट वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे निकल करके आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे, है ना। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है यूनिट 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो एस्टिमेट कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है, इस बारे में हम बात करेंगे। बगल में यहाँ देखो आंसर क्लिक है लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, आपका एक वेब पेज खुल जाएगा, जहां पे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेट कॉस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ मैं सबसे पहले। यस, ये मैंने थोड़ा सा जूम इन कर लिया, बड़ा कर लिया स्क्रीन में, ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आए, है ना। ये देखो, ये हमारा स्क्रीन रेडी है, अब चलते हैं। तो व्हाट इज एस्टिमेट कॉस्टिंग, एस्टिमेटिंग मैंने कर दिया, एस्टिमेट कॉस्टिंग एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो एस्टिमेट्स आर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट व्हिच आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड इज ऑफन नॉट वेरी साइंटिफिकली डिटरमाइंड, है ना। एस्टिमेट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट कॉस्ट का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसा कॉस्ट जो कि प्री डिटरमाइंड है, वो अभी हुआ नहीं है, वो खर्च आपको हुआ नहीं है, लेकिन आपने पहले से सोच करके रखा हुआ है कि आपका जो है खर्च वो इतना होने वाला है या इसके आसपास हो सकता है। सपोज आप मूवी देखने जाने वाले हो और आपको पता है कि मूवी का जो प्राइस है वो तकरीबन 150-160 रुपए के आसपास होगा टिकट्स का प्राइस, है ना, जिस जगह पे आप जा रहे हो। बट जब आप वहां गए तो आपको पता चला कि भाई मूवी का प्राइस तो भाई 180 रुपए है या 200 रुपए है, तो 50 रुपए ज्यादा हो गया आपके। 150 रुपए का आप सोच के गए थे और 100-200 रुपए टिकट का प्राइस निकला। तो एक एस्टिमेट होता है, एस्टिमेट मतलब जो 150 रुपए आपने एस्टिमेट लगाया था कि आपको भाई इतना खर्च पड़ना चाहिए, लेकिन और एक एक्चुअल होता है कि जब आप पहुंचे तो वहां पे आपको पता चला कि अच्छा ये तो बहुत ज्यादा हो गया, है ना। तो एस्टिमेट हो गया, एक्चुअल हो गया, और एक होता है स्टैंडर्ड कि इतना कॉस्ट जो है आपका बनता है ना। स्टैंडर्ड एक तरीके से आप एवरेज बोल सकते हो। तो एस्टिमेट कॉस्ट का मतलब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके ऊपर बेसिस करके जो है आप एस्टिमेट कॉस्ट को निकालने की कोशिश करते हो कि इतना खर्च जो है आपको इस काम को करने में हो सकता है। बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ कि इस काम को करने में आपको इतना खर्चा हो सकता है, ये आप एस्टिमेट करके आपने निकाला। एक्चुअल कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट एस्टिमेशन आप जो है अपने हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे कर सकते हो। दे यूजुअली कंपाइल्ड फ्रॉम लूजली गैदर्ड इन्फॉर्मेशन एंड देयरफॉर दे आर अनसेफ टू यूज देम एज अ टूल फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अगर ज्यादा हो गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे एक बात बोली जा रही है कि ये जो डेटा जो कंपाइल किया जाता है, डेटा जो हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर जो यू नो रिसर्च किया जाता है, उसके ऊपर बेसिस करके जो एक डिटरमाइन किया जाता है, वो बहुत ही ऐसे इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रख करके किया जाता है जो कि बहुत ही लूजली गैदर किया गया है, जमा किया गया है ना, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं गया। तो ये एक तरीके से बहुत अनसेफ होता है अगर आप अपने परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हो तो, है ना। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज प्री डिटरमाइंड, अब स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट व्हिच एम्स एट व्हाट द कॉस्ट शुड बी रादर देन व्हाट इट विल बी, है ना। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि कॉस्ट क्या हो सकता है, ना कि क्या होगा। एस्टिमेट कॉस्ट में हम लोग ये हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कॉस्ट क्या होगा। अगर इस साल 5,000 रुपए खर्चे हुए हैं, अगले साल 6,000 रुपए, फिर अगले साल 7,000 रुपए, मतलब 1,000 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। तो 1 साल बाद 2 साल बाद आपने सोचा कि ठीक है 7,000 रुपए उस साल हुए, तो 2 साल बाद यहाँ पे जो है 9,000 रुपए पड़ेंगे, है ना। बट हो सकता है कि आपको ज्यादा पड़ जाए। तो क्या होगा और क्या होगा और क्या होना चाहिए, है ना, इसमें अंतर होता है।
तो क्या होगा, सपोज आपने सोच लिया कि ना होगा, लेकिन होना कुछ और चाहिए क्योंकि भाई और सारी चीजों का भी प्राइस बढ़ा है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम ये पता कर लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या होना चाहिए, और एस्टिमेट कॉस्ट में कि क्या होगा, है ना। बोथ द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट आर यूज्ड टू प्रीडिटरमाइन आर यूज्ड टू डिटरमाइन प्राइस इन एडवांस एंड देयर पर्पस इज टू कंट्रोल कॉस्ट, है ना। पहले से डिटरमाइन करने की कोशिश की जाती है कि क्या हमारा खर्चा होने वाला है, और ये दोनों के दोनों जो है एक टूल है ये पता करने का कि आप अपने कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, राइट। अब एक टेबल वाइज जो है यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, ये मैं पढ़ दूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ स्टैंडर्ड कॉस्ट एम्फेसिस एज व्हाट द कॉस्ट शुड बी इन द गिवन सेट ऑफ सिचुएशन। तो एक गिवन सेट ऑफ सिचुएशन, एक तरह का पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो क्या होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पता लगाता है। वेयर एज एस्टिमेट कॉस्ट ये पता लगाता है कि क्या होगा, है ना, क्या होगा, क्या होगा और क्या होना चाहिए, ये डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्लैंड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट और प्लैंड कॉस्ट व्हिच आर डिटरमाइंड बाय टेक्निकल एक्सपर्ट्स आफ्टर कंसीडरिंग लेवल्स ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन, है ना। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होते हैं ये एक प्लैंड कॉस्ट होता है जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि एफिशिएंसी और प्रोडक्शन को कंसिडर करके अपने रिपोर्ट जो है तैयार करते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट बहुत ही रिलायबल होता है। एस्टिमेट कॉस्ट आर डिटरमाइंड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द हिस्टोरिकल डेटा। जैसा कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हिस्ट्री का जो डेटा है, पहले जो आपका खर्च हुआ है, पहले का जो आपका डेटा है, उसके बेसिस पे जो है एस्टिमेट कॉस्ट को निकाला जाता है और फ्यूचर ट्रेंड्स के साथ उसको एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है। बट इट इज क्वाइट रिस्की, राइट। तीसरा पॉइंट है इट इज यूज्ड एज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी। स्टैंडर्ड कॉस्ट का इस्तेमाल जो है एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए भी किया जाता है। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ डिवाइस फॉर टू डिटरमाइन एफिशिएंसी। लेकिन एस्टिमेट कॉस्ट में एस्टिमेट कॉस्ट का इस्तेमाल जो है आपका एफिशिएंसी को डिटरमाइन करने के लिए नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता, है ना। इट ओनली डिटरमाइंस एक्सपेक्टेड कॉस्ट। फोर्थ नंबर पॉइंट, स्टैंडर्ड कॉस्ट सर्व द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि आप कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करोगे, है ना, ये उस पर्पस को सर्व करता है। आपका मेन पर्पस है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, तो आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट का तरीका जो है वहां पे अपनाया, है ना। लेकिन एस्टिमेट कॉस्ट जो होता है वो इस पर्पस को सर्व नहीं करता, कॉस्ट कंट्रोल का जो पर्पस है आपका उसको सर्व नहीं करता, उसको वो फॉलो नहीं करता। फिफ्थ नंबर पॉइंट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। Whereas estimated costs are statistical in nature and many not become a part of accounting. और estimated cost जो होता है वो एक तरीके से statistical होता है एक nature में, और वो जो है accounting का कोई हिस्सा नहीं होता, वो accounting का part नहीं होता है। Sixth number point, it is a technique developed and recognized by management and academicians. है ना, ये जो है एक टेक्निक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो एक टेक्निक है जो कि डेवलप और रिकॉग्नाइज की गई है बाय द मैनेजमेंट और जो एकेडमिशियंस होते हैं उनके द्वारा। और एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होता है ये ना ही कोई टेक्निक है और ना ही हम इससे सही जानकारी पता लगा सकते हैं। इट इज जस्ट एन एस्टिमेट, नॉट अ टेक्निक। ये एस्टिमेट होता है, कोई टेक्निक नहीं होती है। लास्ट पॉइंट, इट कैन बी यूज्ड वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज इन ऑपरेशन। और स्टैंडर्ड कॉस्ट का इस्तेमाल उस हर जगह पे किया जा सकता है जहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जाती है। आपको पता होगा कि कॉस्टिंग के बहुत सारे रूप हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट कॉस्टिंग, है ना, बहुत तरह के कॉस्टिंग होती है। तो जहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रूल इस्तेमाल हो रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे स्टैंडर्ड कॉस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इट मे बी यूज इन एनी कंसर्न ऑपरेटिंग ऑन अ हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम। और एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होता है वो किसी भी कंसर्न के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम के तहत वो अगर वो काम कर रहा हो, ठीक है। सो दिस इज आवर टॉपिक। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। और हाँ, हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करो, ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी जिनको देख करके आप एग्जाम के प्रिपरेशन कर पाएंगे। साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट में बहुत सारे आंसर्स के क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो अपलोडेड है, क्लिक करना, आपको क्लिक करना है। बट बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन है जिसके आंसर अपलोड नहीं हुए हैं, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके चीजों को अपलोड कर दूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, थैंक यू सो मच।